वो देखो वहाँ आग लगी हुई है, जल्दी से 911 पर फोन करो, जल्दी करो जल्दी करो। मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे मेरे डैड का बदला लेना है। मैं ऐसे सब कुछ अधूरा नहीं छोड़ सकती, वो उन्हें इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा मामा। बिना कौन है ना, मुझे लगा मैं मर गई पर जिंदा हूं। तुम एक बहुत बड़े हादसे से बच गए और शायद तुम इस सब में लकी भी हो। अच्छा वैसे क्या तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई? वो बच्चा तो यहीं पर है। हाँ वैसे अगर आप जिंदा हैं तो इस बच्चे की वजह से, तो आप इसे थैंक यू कह सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं मम्मा, अगर आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर आपको पक्का यकीन है ये आपका? ये बच्चा तुम्हें मम्मी बोल रहा है, तो मैं इसका डैड कैसे हुआ? अगर तुम मेरा नंबर चाहती हो तो ठीक से बोल सकती हो, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं अंकल, मेरी मम्मा की शादी हो गई है, उन्हें आपका नंबर नहीं चाहिए। नहीं माफ करना। ओए छोटू, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। आप तो झूठ बोल रही हैं, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बॉस रहूँ। अरे अरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम कितने साल के हो? अनान देखो तुम 5 के हो और मैं 20 की, तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मम्मा आप झूठी हैं, आप तो 28 साल की हैं। छुटकू ये बुरी बात है, औरत के लिए उसकी उम्र ज्यादा जरूरी होती है। जो भी हो मैं 28 की नहीं, मैं 20 की हूँ, मेरी जिंदगी बस शुरू ही हुई है। अब बकवास बंद वरना सजा मिलेगी। ये तो अजीब बात है, क्या ये सच में आपकी बेटी नहीं है? फिर ये कौन है? मैं क्या बोलूं? मेरे पापा का वो बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान है, लेकिन ये बच्चा है किसका यार? आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको सुने तो निशा एंटरटेनमेंट ने रिशियांग के साथ अपना सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इस वजह से रिशियांग को तकरीबन 50 मिलियन का लॉस हो सकता है। मुझे फिर से छोड़ के जाने की तरह, पर आपको अभी तक छुट्टी नहीं हुई मम्मा। मेरे डैड की मौत होगी, किसी ने मुझे मारना चाहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे भटकना नहीं है और सच का पता लगाना है। छुटकू ये एक इमरजेंसी है, तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते? तुम अकेला चलेंगे तो मैं गुम हो जाऊंगा। छोड़ो तुम मेरे साथ आ सकते हो।